ये हेनरी पेपियन की सच्ची कहानी है, जो कि एक समय में पर्शियन अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था। लेकिन झूठे खून के केस में हेनरी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। उसे ऐसे आइलैंड की जेल में भेज दिया जाता है जो कि किसी नरक से कम नहीं। तो आइए देखते हैं कि हेनरी ने कैसे इस नरक में 11 साल सरवाइव किया। हेनरी पेपियन, जो कि पर्शियन अंडरवर्ल्ड के लिए सेफ क्रैकर का काम करता है, वो कीमती चीजें चुरा के गैंगस्टर जीन कैस्टिली को देता है, जिसके बदले में हेनरी को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। पर इतने पैसों में हेनरी खुश नहीं था, क्योंकि इतने पैसे लेकर वो नैनी से शादी नहीं कर सकता। सेटल होने में ढेर सारे पैसे चाहिए। अब बात करें नैनी की, तो जीन के गैम्बलिंग हाउस में नैनी एक डांसर है। अब बात करें जीन कस्टिली की, तो पर्शियन अंडरवर्ल्ड में जीन कस्टिली सबसे डेंजरस है, और इसका एग्जाम्पल उसने अपने ही आदमी को पीट के दे दिया, जो कि जीन को धोखा दे रहा था। जीन हेनरी को कहता है कि तुमने चोरी का सारा सामान जमा करवा दिया ना। हेनरी उसे कहता है कि मैंने सारा सामान जमा करवा दिया, तुम्हें धोखा देके मरना है क्या? पर जीन को नहीं पता कि हेनरी चोरी का सारा सामान जमा नहीं करता, वो थोड़े से डायमंड्स अपने पास रख लेता है, जिसे जीन का आदमी देख लेता है। अब हेनरी को सबक सिखाने के लिए जीन उसी आदमी के खून का इल्जाम हेनरी पे डाल देता है, जबकि हेनरी सबसे बेखबर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। पर तभी पुलिस आके हेनरी को अरेस्ट कर लेती है। अब जेल में हेनरी को जूलो मिलता है, जो कि हेनरी को कहता है कि अंडरवर्ल्ड ने तुझे बुरा फंसाया, लेकिन अपने पास कुछ पैसे रख लेना, क्योंकि जहां पे हम जाने वाले हैं वहां पैसों की भाषा चलती है, और हो सकता है वो पैसे तुम्हें जेल से भागने में मदद कर दें। अब हेनरी के अलावा हजारों ऐसे कैदी थे जिन्हें साउथ अमेरिका के डेवल आइलैंड की जेल भेज दिया जाएगा। अब बात करें डेवल आइलैंड जेल की, तो यहाँ से आज तक कोई नहीं भागा, क्योंकि जेल समुद्र के बीचों बीच है। अगर कोई जेल से भागने में कामयाब हुआ तो भूखी शार्क्स उसे खा जाएंगी। कैदियों को जेल के बारे में इंफॉर्मेशन देके ऑफिसर सबको कहता है कि नई जिंदगी तुम्हारा डेवल आइलैंड पे इंतजार कर रही है। अब यहीं पर हम डेगा नाम के अमीर आदमी को देखते हैं, जो कि हेनरी के साथ ही डेवल आइलैंड पे जाने वाला था। डेगा की वाइफ और वकील उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग कोर्ट में अपील करेंगे। जूलो और हेनरी की दोस्ती हो चुकी थी, जो कि जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। पर यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां से भागने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। इसलिए जूलो हेनरी को कहता है कि डेगा से दोस्ती कर लो, प्रोटेक्शन के बदले हम डेगा से पैसे लेंगे। पर दोनों की ऑफर सुनके डेगा उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। पर रात को जब डेगा नोटिस करता है कि कैदी एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसे निकालने में लगे हैं, तो डेगा की अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन तब भी डेगा हेनरी की मदद नहीं लेता, पर हेनरी उसे कहता है कि हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा लगेगा। पर डेगा उसे कहता है कि इस जेल से कोई नहीं भाग पाया, तो तुम लोग कैसे भागोगे? मेरी बीवी मुझे जल्दी आजाद करवा देगी, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। पर रात को वही कैदी डेगा को मार के पैसे लेने वाला था, पर हेनरी टाइम रहते डेगा को बचा लेता है, जिसे देख डेगा समझ आता है कि जिंदा रहने के लिए उसे हेनरी की परछाई बन के रहना होगा। अब कुछ ही देर में सारे कैदी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां जूलो खुद को जख्मी कर जेल के हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि वहीं से भागने की प्लानिंग होगी, क्योंकि जेल के मुकाबले हॉस्पिटल में ज्यादा रोक टोक नहीं होती। बात करें डेगा की, तो डेगा हेनरी की परछाई बन के पीछे पीछे घूम रहा था, क्योंकि कैदियों की नजर डेगा के पैसों पे थी, जिसे डेगा अपने पेट में छुपा के लाया। अब जेल में वार्डन बैरेट सबको वेलकम करके कहता है कि तुम भागने की कोशिश मत करना, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो हम खुशी खुशी तुमको गोली मार देंगे। अगर कैदी भागता हुआ पकड़ा गया तो उसे 2 साल के लिए सॉलिटरी जेल में डाल दिया जाएगा। अगर वही कैदी दूसरी बार पकड़ा गया तो उसकी सॉलिटरी की सजा 5 साल कर दी जाएगी, और पागल होने के बाद तुम्हें डेवल आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर तुम लोगों में से किसी ने किसी को मार दिया तो उस कैदी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब जेल में डेगा और हेनरी एक कैदी को मिलते हैं, जो कि पैसों के बदले कैदियों को मनचाही ड्यूटी दिलवाता है। डेगा उसे पैसे देकर कहता है कि हम दोनों को हॉस्पिटल में ड्यूटी चाहिए, क्योंकि जेल में यही एक अच्छा और सफाई वाला काम है, जो कि डेगा को सूट करेगा।
लेकिन बात करें हेनरी की तो उसे तो जूलो के साथ मिलके भागने की प्लानिंग करनी है। अब थोड़ी देर में डेगा और हेनरी को हॉस्पिटल की ड्यूटी मिल जाती है, पर एक ऑफिसर डेगा को पहले से जानता था और ये डेगा का पुराना दुश्मन है, इसलिए हॉस्पिटल की ड्यूटी से निकाल के वो दोनों को रूट जीरो पे लगा देता है, जहां पर हार्ड मजदूरी का काम था। डेगा अपनी बीवी की ड्राइंग बना रहा था, जहां हेनरी उसे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह तुम्हारी बीवी होती तो तुम अपनी संपत्ति का क्या करते। डेगा उसे कहता है कि मैं अपने सारे पैसे अपनी बीवी को बचाने में लगा देता। हेनरी उसे कहता है कि काफी समय तो बीत चुका है, तुम्हें अब तक जेल से क्यों नहीं निकाला। डेगा समझ गया था कि कहीं ना कहीं हेनरी की बात सही है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि डेगा अब भी भागने के प्लान में शामिल नहीं है। उसे अब भी ये लगता है कि उसकी बीवी उसे बचा लेगी, पर हेनरी की बात सुन के डेगा भागने का मन बना रहा था। अब रूट जीरो पे हेनरी की मुलाकात सैलियर से होती है, जो कि ऐसे लोगों को जानता है जो कि उसे भागने के लिए वोट दे सकते हैं। अब इसी आइलैंड पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि यहाँ के गार्ड्स और वार्डन के काम आते रहते हैं, और उन्हीं में से एक है गोरन, जो कि यहाँ के लोगों को लड़कियां सप्लाई करने के साथ एक स्मगलर है। अब हेनरी गोरन से 5,000 की डील करता है, जहां गोरन उसे कहता है कि भागने के लिए मैं तुम्हें बोट दूंगा, तुम्हें बस रिवर की दूसरी साइड आना होगा। डील होने के बाद हेनरी भागने की तैयारी में था, पर तभी डेगा उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मेरी बीवी ने मेरे वकील से शादी कर ली। तुम्हारी बात ठीक थी, वो मुझे नहीं बचाने वाली, मुझे खुद ही अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। यानी कि डेगा हेनरी के साथ मिल चुका है। अब दूसरे दिन सारे कैदियों को एग्जीक्यूशन की जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जहां पर बैरेट सबको कहता है कि एक कैदी ने भागते समय हमारे दो गार्ड्स को स्टैब कर दिया, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। अब ये भागने वाला कैदी कोई और नहीं बल्कि जूलो था, जिसे वार्डन सबके सामने एग्जीक्यूट कर देता है। जूलो की बॉडी को ठिकाने लगाने वार्डन डेगा और हेनरी को भेजता है, जहां पर हम जान पाते हैं कि डेगा इतना स्ट्रांग नहीं है। वो डेड बॉडी को देख के डर गया था कि कहीं उसे भी ना मार दिया जाए, पर हेनरी समय बर्बाद नहीं करता। गार्ड को जख्मी कर हेनरी यहां से भाग जाता है, पर उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो पैसे डेगा के पास थे। इसलिए वो गोरन को कहता है कि मुझे अभी के लिए बोट दे दो, मैं पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगा। पर गोरन को पैसे चाहिए। अब जेल का एक रूल है, अगर बाहर का इंसान भागे हुए कैदी को ऑफिसर के हवाले कर दे तो उसे वार्डन इनाम के तौर पे पैसे देगा। गोरन ने वार्डन से पैसे लेना सही समझा। हेनरी को गन पॉइंट पे लेके गोरन उसे जेल में वापस ले आता है, जहां बैरेट उसे कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जिस गार्ड पे तुमने हमला किया था वो गार्ड जिंदा है, लेकिन रूल के हिसाब से तुमने भागने की कोशिश की, इसलिए पहली गलती पर तुम्हें 2 साल के लिए सॉलिटरी भेजा जाता है, जहां पर तुम्हारे भागने और जिंदा रहने की हिम्मत टूट जाएगी। अब सॉलिटरी वो जेल है जहां पे हेनरी 2 सालों के लिए कैद रहेगा, ना तो उसे दिन का पता चलेगा और ना ही रात का। यानी कि हेनरी को 2 सालों के लिए दूसरे कैदियों से अलग कर दिया। अब धीरे धीरे काफी समय बीत चुका था, हेनरी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर जिस ऑफिसर को हेनरी मार के भागा था वो हेनरी को बहुत ही बेरहमी से मारता है। सेल के गंदे खाने और आसपास के लोगों को मरता देख हेनरी की हिम्मत टूट रही थी, वो जीने की उम्मीद छोड़ रहा था। पर एक दिन उसे खाने में नारियल मिलता है, जो कि इस जेल में किसी शाही खाने से कम नहीं। अब ये नारियल डेगा ने भेजा था, और डेगा के मैसेज को देख हेनरी में फिर से हिम्मत जागी। खुद को संभाल कर वो पहले जैसा हो रहा था, रोज उसे नारियल खाने को मिल रहे थे, पर एक दिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद काफी दिनों तक हेनरी को खाना नहीं मिलता। बैरेट उसे कहता है कि जिसने तुम्हें नारियल भेजा मुझे बस उसके बारे में बता दो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा, जो कि जेल के मुकाबले काफी अच्छा होगा। पर हेनरी उसे नहीं बताता कि उसे नारियल किसने दिया। बैरेट का साथ ना देने के कारण हेनरी को काफी दिनों तक खाना नहीं मिलता, जिस कारण उसे नैनी और डेगा के इल्यूजन आ रहे थे, जो कि हेनरी की हिम्मत को दुगना कर देते हैं। 2 साल बीतने के बाद हेनरी को सेल से बाहर निकाला जाता है, जबकि बाकी सेल के लोग आधे से ज्यादा मर चुके थे। हेनरी के चेहरे पर अलग सी शांति थी, मानो जैसे हेनरी में इमोशन मर चुके हों। बात करें डेगा की तो 2 साल में डेगा ने बैरेट का भरोसा जीत लिया।
वो एक अच्छे औहदे पर काम करता है, वो जेल में आजादी से आ जा सकता है। अब हेनरी को मिलने हॉस्पिटल में डेगा पहुंचता है, जहां डेगा नोटिस करता है कि हेनरी इमोशनली टूट चुका है। डेगा उसे कहता है कि मेरी बीवी ने मेरे वकील से शादी कर ली, जिसे सुनकर हेनरी उसे कहता है कि फिर तो तुम्हारी बीवी नरक में जाएगी। हेनरी को नॉर्मल देख डेगा काफी खुश हो गया था। डेगा उसे कहता है कि कुछ ही दिनों में जेल में एक मूवी चलेगी, जिसे देखने बैरेट के क्लोज फ्रेंड और ऑफिसर होंगे, और उस रात सारे गार्ड्स बिजी होंगे और ये रात भागने के लिए ठीक रहेगी। हेनरी डेगा को बोल के सेलियर को बुलाता है, जो कि सारे इंतजाम कर चुका था, उन्हें बस पैसे दे के बोट लेनी है। अब हॉस्पिटल में हेनरी के साथ मैट नाम का टीनेजर लड़का था, जिसे हॉस्पिटल का स्टाफ गंदी नजर से देखता है, इसलिए मैट इससे नफरत करता है। हेनरी मैट को अपने साथ मिला लेता है कि तुम इस गैंडे का ध्यान भटकाना, जिसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। अब हेनरी सेलियर डेगा और मैट पूरी तैयारी में थे, और जिस रात वार्डन और पूरे गार्ड्स फंक्शन में बिजी थे, उसी रात चारों यहाँ से बोट लेके निकल जाते हैं। पर सेलियर के लोगों ने पैसों के बदले काफी घटिया बोट दी, जो कि समुन्दर के बीचों बीच चारों को धोखा दे रही थी। बोट में से वजन कम करने के लिए चारों में से एक को मरना था। सेलियर कहता है कि हमें डेगा को मार देना चाहिए, क्योंकि वो हम सबसे कमजोर है, पर अफसोस सेलियर को खुद मरना पड़ा। हेनरी चाहता था कि चारों यहां से जिंदा निकलें, और कुछ ही दिनों के सफर के बाद तीनों कोलंबियन आइलैंड पहुंचते हैं, जहां की नन हेनरी को कहती है कि ईश्वर ने तुम्हें दूसरा मौका दिया। तीनों के पास वो आजादी थी जिसे वो कई सालों से पाना चाहते थे। नरक से बाहर आके हेनरी काफी खुश था। वो डेगा को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं। पर डेगा यहीं रुकने का तय करता है, पर तभी हेनरी को डेवल आइलैंड के ऑफिसर दिखते हैं, जिन्हें नन ने बुलाया था। अब तीनों को दबोचने के चक्कर में मैट की मौत हो जाती है, असली नन तो ये निकली। खैर, इसके बाद हेनरी को 5 साल के लिए सॉलिटरी में भेज दिया जाता है, और डेगा को 2 साल के लिए, क्योंकि ये उसका पहला अटेम्प्ट था जेल से भागने का। अब 5 साल बाद हेनरी को सॉलिटरी से बहर निकाला जाता है, और इन 5 सालों में हेनरी का मानसिक संतुलन हिल चुका है, जिसे देख बैरेट उसे कहता है कि मैंने बहुत ही कम लोग देखे जो कि सॉलिटरी से जिंदा निकले। अगर तुम्हारे दिल में किसी चीज को लेकर उम्मीद है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें डेवल आइलैंड भेज दिया जाएगा। अब डेवल आइलैंड पे वो कैदी रहते हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, या फिर वो लोग जिनके जीने मरने से कोई लेना देना नहीं। डेवल आइलैंड पे हेनरी की मुलाकात डेगा से होती है, यानी कि 2 सालों की सॉलिटरी सजा ने डेगा का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। अब ये डेवल आइलैंड बैरेट की जेल से काफी दूर था, यानी कि समुन्दर के बीचों बीच, जहां पर 1 या 2 गार्ड्स थे, वो भी नाम के। डेवल आइलैंड पे डेगा से हम जान पाते हैं कि बैरेट ने उसे सॉलिटरी भेजने के बजाय डेवल आइलैंड भेज दिया, और डेगा के रहन सहन के तरीके को देख हेनरी समझ चुका था कि डेगा ने इसी जिंदगी को अपना लिया। अब हेनरी समुन्दर की लहरों को ध्यान से देख रहा था, जिसे देख डेगा उसे कहता है कि जो तुम सोच रहे हो उसे छोड़ दो, क्योंकि समुन्दर की लहरें तुम्हें मार देंगी। अब यहाँ पर हेनरी एक चीज को नोटिस करता है कि लहरें दूसरे किनारे पे जा रही हैं, इसलिए कोकोनट से राफ्ट बना के हेनरी डेगा के साथ भागने का प्लान बनाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 7 साल सॉलिटरी काटने के बाद बैरेट कैदियों को डेवल आइलैंड भेज देता है, क्योंकि इन 7 सालों में कैदियों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन हेनरी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिल में उम्मीद और हिम्मत थी। अगर बात करें बैरेट ने डेगा को सॉलिटरी क्यों नहीं भेजा, तो डेगा ने बैरेट का भरोसा तोड़ा, इसलिए बैरेट ने उसे डायरेक्ट यहीं भेज दिया। अब हेनरी पेपियन डेगा को कहता है कि हम जल्दी यहां से निकल लेंगे, पर डेगा उसे कहता है कि मैं इसी जिंदगी में खुश हूं। डेगा को गले से लगाकर हेनरी यहां से निकल जाता है, और हेनरी की आजादी में डेगा कहीं ना कहीं खुद को देख रहा था। वो अपने भाई जैसे दोस्त को आजाद देख के खुश था, जिसके बाद हम काफी साल आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर हेनरी बुड्ढा हो चुका है। वो अपनी स्टोरी एक पब्लिशर को देता है, जहां हेनरी उसे कहता है कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये कहानी ढेर सारे मर्दों की है जो अब तक अपने घर नहीं पहुंचे। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि 80,000 से ज्यादा कैदी पैनल कॉलोनी, जो कि फ्रेंच गुआना में थी, वहां से कभी वापस नहीं आए, और हेनरी पेपियन ने अपनी कहानी पर बुक लिखी, जिसकी अब तक
13 मिलियन कॉपी बिक चुकी हैं और वो भी 30 भाषाओं में। और फिर 1970 में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने हेनरी को वापस फ्रांस बुलाया, जहां पर हेनरी ने अपनी बची जिंदगी एक आजाद इंसान की तरह गुजारी। बात करें पैनल कॉलोनी की, तो उसे बंद कर दिया गया, जहां पर कई लोगों ने आजादी की उम्मीद में जान दे दी। कहानी के आखिर में हम रियल हेनरी पेपियन को देखते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी हेनरी पेपियन की सच्ची कहानी।